अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखें जी, आज लेके आई हूँ आपके लिए लाइम लाइट का न्यू डिज़ाइन। प्राइस भी आप इसकी देख सकते हैं गौर से। और ये है जी इसका सैंपल, बहुत अच्छा कपड़ा है जी। ये देखें, ये लाइन इसी लंबाई में अच्छा है जी। इसका स्टफ़ भी अच्छा है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। गौर से देखेंगे, है जी इसकी बैक साइड और ये है जी इसका फ्रंट, पट्टी के साथ है जी। और ये इसके चारों तरफ लगी हुई है खूबसूरत सी वाइट लेस, और मैं भी इसके ऊपर लगाऊंगी लेस सी। ये बाजू मैं अभी बना रही थी, लेस लग चुकी है इसके ऊपर। ये लेस मैं लगाती हूँ जी अंदर की तरफ से। ये देखिए, यहाँ पे है जी इसका टांका, यहाँ इसका बिल्कुल टांका नज़र नहीं आ रहा। बाजू इसके रेडी हो गए हैं, अब शर्ट में करूँगी, फिर मैं आपको रिव्यू दूँगी कि मैं कैसी बनाऊँगी, कि मैं अभी इसका पट्टी वाला ही गला बनाऊँगी या इससे कुछ हट के बनाऊँगी। ये है जी लेस, गौर से देख लें, अच्छी है ये, छोटी छोटी सी है, शटल की लेस लेकिन अच्छी है, नीट से बनी हुई है, कटिंग हुई हुई है इस शर्ट की। अभी मैं आपको इसका दूसरा शर्ट का हिस्सा दिखा देती हूँ। ये है जी शर्ट का दूसरा हिस्सा, देख सकते हैं कि ये इस साइड पे है इसका ये छापा सा, और इसका इस साइड पे है। और है जी ये है फ्रंट, कटिंग से आप नोट करें, फ्रंट ये है और बैक वो है। बहुत हसीन डिज़ाइन है, आपको कैसा लगा? कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। दोबारा से देख लें मॉडल पिक्चर गौर से, बाजू देख लें। ये मैं आपको पास से ना दिखा दूँ, आपको समझ आए क्या चीज़ है। ये जस्ट छापा बना हुआ है, उभरा उभरा सा इसके ऊपर, पता नहीं आपको फील हो रहा है कि नहीं। और ये है जी लाइम लाइट का एक और सूट, इसका फुली रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगी। प्राइस भी आप इसकी देख लें, एक्सपेंसिव है ये बट फुली एम्ब्रॉयडर्ड है फ्रंट इसका, और गला और दुपट्टे में भी एम्ब्रॉयडरी है, और स्टफ़ इसका बहुत ही अच्छा है। ऐसे हमें सिंपल पेड़ा लेना है और इसको डिप कर देना है इसमें, फिर रफ सा ऐसे बना लेना है, यही बहुत हमने नीट नीट पेड़ा बनाना है। और फिर उसके बाद हमने बेल लेना है, बेलने के बाद हमने इस पे हर तरफ ना डाल अपना स्पति लगा देना है अच्छी तरह, और फिर आ जाता है असली स्टफ। कोई मुश्किल काम नहीं है, कभी मैंने एक बार बनाया था किसी का लेट पेड़ा, तो जी बिल्कुल वो कट करके क्या रह गया था स्टेप, और मेरा इतना अच्छा नहीं बना था। ये देखिए, ये सिंपल ऐसे कर लेना। और फिर सिंपल यहाँ से भी ऐसे कर लेना, और इधर कोई आपने यहाँ पे नहीं लगाना, दोबारा से डाल अपना बिल्कुल अपने इसको बंद कर देना। ये हो गया जी बंद अच्छी तरह। अब आता है असली स्टेप, यहाँ पे आपने दोबारा से डाल अपना स्पति, शायद उठ गया तो ये मेरी वीडियो आप शूट कर। ये आप इसको हर तरफ अच्छे से लगा देना, और आपने पेड़े को लंबे करते जाना, लंबा करते जाना, इससे बनेंगे आपके स्टेप्स। इंशाल्लाह मैं पराठा भी आपको दिखाऊंगी कैसे बनता है बनता। खाना आपको कैसा लगता है ये पराठा? मज़े का, पहले वाला ज़्यादा मज़े का होता था, ये वाला ये इसको इसकी आनी ने बना के दिया था, तो कहता है मामा आपने भी बना के देना, फिर मैंने सीख लिया था, बड़ा आसान। ये देखिए आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खींचते जाएँ, पेड़ा बनाते जाएँ। बाल लाए हैं ना,
जब पेड़ा बना रही थी मैं सोच रही थी मैंने पहले बनाया है लेकिन नहीं आया था बाबा इस साहब नहीं आएंगे लेकिन तुमने प्यारे बगाए ये श्याम का चुनू सा। हाँ जी अब ये मैंने रखे हुए थे पेड़े अब मैं बना रही हूँ इसको पराठा और मैं करने लगी हूँ अपना तवा साफ और ये देखें ये चाय मैंने रखी है दूसरे चूल्हे पे साथ ही ये सलाह जो है इसके किनारे हो जाए ना तो सही बात है। मुसलसल मिला के जाए ताकि इसके बाल खुले देखेंगे कैसा बना है। ये देखिए ये बालदार अब इसका एक एक हमारा जब जाएगा ना उसके बाल ठीक होंगे जबरदस्त। और मुझे पराठा बहुत पसंद है गरम गरम ठंडा पराठा मुझे नहीं अच्छा लगता अपना। अब जो ये शायान सुबह सुबह मेरी मदद कर रहा है ये तमाम मैट्रेस वगैरह उठाने में। जब शदीद गर्मी होती है ना तो हम ये मैट्रेस अपना नीचे बिछा लेते हैं। और ये है जी हमारे सिंगल बेड के पुराने मैट्रेस हमने नए लिए ना तो ये ज़रा ऐसे यूज़ कर लेते हैं नीचे रख के। अब शायान मेरी मुसलसल मदद कर रहा है। वैसे जब ठंड होती है तो हम ना ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ सो जाते हैं नहीं तो इधर नीचे वाले पोर्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं दिन का टाइम है लेकिन इतनी रोशनी नहीं लग रही ऐसा लग रहा है कि रात है। ये शायद बहुत मेहनत कर रहा जी। हमारे मार्बल का कलर बहुत अच्छा आया ये है जी ब्लैक सा। जो कमरे का मार्बल था ना वो थोड़ा वाइट में आया था तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा शायद ये न्यू पॉलिश हुआ ना तो शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस पे चलने का अलग ही है मज़ा इस मार्बल पे और धोने में भी ना थोड़ा दरमियान से पकड़ना इसको फिर सही होगा। ये शायान अपने बिस्तर वगैरह समेट रहा है। ये मैट्रेस जो है ना इसको नीचे से ना हमने सिंपल कवर दिया हुआ है और ऊपर इसके प्रिंटेड लगाया हुआ है और ऊपर वाले जो नए मैट्रेस लिए उन पर भी ऐसा ही हमने सेम लगाया। और ये हम लेके आए थे जी जिगर बर्गर और शायान ने ये नहीं खाना था इसके लिए आया है जी शवारमा अलग से। शायान की कोई ना कोई नई फरमाइश होती है बीच में। शवारमा किसके लिए आया है यार मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अच्छा कैसे लगी आपको ये आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।